अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि डेज़र्ट में ज़्यादातर लोग गाय पालते हैं और उसी की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, दूध और उसकी योगर्ट बना ली, वो भी बच्चे खाते हैं। और इसके अलावा फिर जो बटर होता है, बटर से आगे देसी घी वगैरह बनता है, क्योंकि यहाँ पे सिटी काफ़ी दूर होते हैं तो ये दूसरी चीज़ें लाना बड़ी मुश्किल होती हैं। तो इनकी कोशिश होती है कि जो घर में अवेलेबल है उसी से पकाया जाए, तो उसमें ये बटर से घी बना के उसी में खाना पका रहे होते हैं। और सुबह इनका जो नाश्ता है वो आगे जाके आपको नज़र आएगा, उसमें ये एक ट्रेडिशनल वे है कि मक्खन से पराठे बनाए जाते हैं और उसी मक्खन के ऊपर थोड़ी सी देसी शक्कर, जिसे कि ऑर्गेनिक शुगर भी कहते हैं, वो डाल के इनका नाश्ता होता है। किन्निया मझां दा हुंदा दुद्ध गावां दा जिहड़ा जमांदे हो? अच्छा ये आ गया जी मक्खन। ये इस तरह से करके आप ये डालें। ये देखें, ये इसको एजिटेट किए और वो लस्सी है और ये बीच में मक्खन है। ये मैं निकाल के दिखाऊं, ये बटर है। अब अम्मा जी जो है ना वो इसी के पराठे बनाएंगी इसी से, और बाकी वो लस्सी है वो ये पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दूध रखा हुआ है इन्होंने, ये देखें ये दूध बच जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए ये हाई टेम्परेचर पर पड़ा रहता है। और नीचे ये गोबर की आग है, ये सारा दिन इसी में पड़ा रहेगा और शाम को ये थोड़ा येलो कलर का हो जाएगा और उसके बाद फिर ये उसकी दही बनाएंगे या बच्चे वगैरह पीते हैं। बाकी ये वैसे ही वही स्टाइल बर्तन रखने का, ठीक है। और ये बोतल है, इसको इन्होंने किया इंसुलेशन की हुई है, यूं समझ लें आप, कपड़े वगैरह लगा के ताकि पानी गर्म ना हो। जी जी जी, ये पानी दी भात मोड़े रख वेते ले माल दा, ये चलो माल लेके जाने उधर। हां हां, ये मोड़े तो रख वेते सही है। और गाइस रात बारिश हुई है काफी सारी और आज मौसम भी ठंडा है, तो ये अम्मा जी ने हमें पहले भी कहा था कि आप बगैर खाना खाए चले जाते, तो इस दफ़ा फिर हमने कहा कि चले हम खाना खा के जाएंगे। गाइस इनकी फूड हाई कैलोरीज़ की होती है, लेकिन चूंकि ये सारा दिन काम करते हैं और अपनी गाय और भेड़ों के साथ चलते रहते हैं, तो इसलिए इस इलाके में कोई शुगर या मोटापा वगैरह की बीमारी भी नहीं है। घर में
ये है देसी शक्कर। ये शहरों में तो आपको पता है शुगर चीनी जिसे कहते हैं वो है, लेकिन ये देसी तरीके से बनाई जाती है ये वाली। ये आ गया जी मक्खन। अब इसके ऊपर जी आप अपने हसबे टेस्ट ये इस तरह से करके आप ये डालेंगे और ये आपका जो बन गया जी ट्रेडिशनल एक ये ब्रेकफास्ट है। तो इसको जी खा के देखते हैं। इस तरह का टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक। और गाइस ये साथ में लस्सी, ये बेसिकली इसी बर्तन में से है मक्खन लग करके, ये जो ये इसके नज़र आ रही है ये वही है। ये साथ में ये पराठा, मक्खन और शक्कर और ये साथ में लस्सी, ये है जो इनका ये ट्रेडिशनल एक वे है नाश्ते का। सही है, सही है। और गाइस ये दोपहर को जो है ना ये इनकी रूटीन ये है कि ये तंदूर पे रोटी खाते हैं और सुबह उसी पे ये तवे पे यानी पराठे पे। ये इंजन ड्रिवन पंप लगाया हुआ ये पानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं है। और ये भी आपको चला के दिखाते हैं। हाँ भाई आसो शुरू कर। ए, थोड़ा ही खाई खा ले सीधा, अपन हजम हजम कोई नहीं होती। अच्छा एक पुत्र एक घर है ठीक है। और थोड़े ओ हैं दो कमरे छोटे कुआरे खड़े ठीक है। असा भी दू हाए भेजी ठीक है। अभी हमारे लिए चाय बनाई जा रही, हमें भी दूध अपना घर दिया गावा दा। हां घर दे गई दा दूध अपना आ जादा। अच्छा हां ठीक है। यानी तुहानू ये फायदा है कि खालस चीज खांदे हो तुसी। हां जंगल दा घा खाया। हां लाना फोग ते वाले ते आया डाला डप्पा घेता। सही है। तूड़ी घेती अब दा घर दा दूधा घर दा काढ़ा घर दा चाह पानी बनाया लस्सी बनाई दही बनाई जो कुछ अब दा बनाया। असा मोला ला दूध काई नहीं किन्ने आए ने मोल दे तन जरूरत ही कोई नहीं। हां सब काई होंदी काई नहीं जरूरत सब मोल दे बल्कि तुसी तोड़ा उठे जांदा शहर। हां हां देने आए मोल सा देने आए। हां जी मैं कहीं दिया होई ना जीती वाफे सी गया। हां जी इसलिए अब दा दे दिता शाम वाला आपका वर्त आया। सही है। हाँ